प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। पंचक क्या है और क्या कर सकते हैं इस दौरान शुभ कार्य। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 5 ऐसे दिन आते हैं जिनका अलग ही महत्व होता है। प्रचलित मान्यता के अनुसार पंचक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। प्रत्येक माह का पंचक अलग अलग होता है, तो किसी माह में शुभ कार्य नहीं किया जाता है तो किसी माह में किया जाता है। आपको बता दें कि इसी से संबंधित यह वीडियो है कि पंचक क्या है, क्यों इसका इसमें वर्जित है और इसी से संबंधित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रह का घनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण और शतभी का पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में भ्रमण काल पंचक काल कहलाता है। इस तरह चंद्र ग्रह का कुंभ और मीन राशि में भ्रमण पंचकों को जन्म देता है, अर्थात पंचक के अंतर्गत घनिष्ठा, शतभिखा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद एवं रेवती नक्षत्र आते हैं। इन्हीं नक्षत्रों के मेल से बनने वाले विशेष योग को पंचक कहा जाता है। अगर आधुनिक खगोल विज्ञान की दृष्टि से देखें तो 360 अंशों वाले भूचक्र से पृथ्वी जब 300 अंश से 360 अंश के मध्य भ्रमण कर रही होती है तो उस अवधि में धरती पर चंद्रमा का प्रभाव अत्यधिक होता है। उसी अवधि को हम लोग पंचक काल कहते हैं। पंचक में नहीं करते हैं ये 5 का सारे आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से जानिए कि वह कौन से 5 काम है जो नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों में निम्नलिखित 5 कार्य ऐसे बताए गए हैं जिन्हें पंचक काल के दौरान नहीं किया जाना चाहिए, जैसे लकड़ी एकत्र करना या खरीदना, मकान पर छत डालना या ढलवाना, सौ जलाना, पलंग या चारपाई बनवाना और दक्षिण दिशा की ओर यात्रा जो है करना, ये 5 होते हैं। यदि लकड़ी खरीदना अनिवार्य हो तो पंचक काल समाप्त होने पर गायत्री माता के नाम का हवन करें। यदि मकान पर छत डलवाना अनिवार्य हो तो मजदूरों को मिठाई खिलाने के पश्चात ही छत डलवाने का काम करें। यदि पंचक काल में सौदाह करना अनिवार्य हो तो सौदाह करते समय 5 अलग पुतले बनाकर उन्हें भी अवश्य जलाएं, इससे इसका दोष जो है वह समाप्त हो जाए। इसी तरह यदि पंचक काल में पलंग या चारपाई लाना जरूरी हो तो पंचक काल की समाप्ति के पश्चात ही पलंग या चारपाई की खरीदारी करें या इसका उपयोग करें। अंत में यह कि यदि पंचक काल में दक्षिण दिशा की यात्रा करना अगर जरूरी है, अगर अनिवार्य है या यात्रा करना चाहते हैं बहुत जरूरी है तो हनुमान मंदिर में फल चढ़ाकर यात्रा प्रारंभ कर सकते। ऐसा करने से पंचक दोष दूर हो जाता है और आपकी यात्रा सफलीभूत होती है। पंचक के प्रकार जानिए कि पंचक कितने प्रकार का होता है। रविवार को पड़ने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है। सोमवार के दिन पड़ने वाला जो पंचक है वह राज पंचक कहलाता है। तीसरा जो है, जैसे पहला हुआ, दूसरा, तीसरा दिन जो है वह मंगलवार होता है। मंगलवार को पड़ने वाला पंचक जो है उसे आप सभी जानते हैं, अग्नि पंचक कहलाता है। शुक्रवार को पड़ने वाला जो पंचक है वह चोर पंचक कहलाता है। शनिवार को पड़ने वाला पंचक मृत्यु पंचक कहलाता है। इसके अलावा जो है वह बुधवार और गुरुवार को पड़ने वाले पंचक में ऊपर दी गई बातों का पालन करना
नहीं माना गया है। इन दो दिवसों में, इन दो दिनों में पड़ने वाले दिनों में पंचक के पांच कामों के अलावा किसी भी तरह के शुभ काम किए जा सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। पंचक के नक्षत्रों का प्रभाव आइए आपको बताते हैं। आप जानिए कि पंचक के नक्षत्रों का क्या प्रभाव होता है। घरिष्ठा नक्षत्र में अग्नि का भय होता है। सतभिखा नक्षत्र में कला होने की संभावना होती है, मतलब इस नक्षत्र में पंचक में करते हैं तो कला ज्यादा होता है। अगर पूर्वा भाद्रपद में करते हैं तो रोग की वृद्धि बढ़ने की संभावना होती है। उत्तरा भाद्रपद में धन के रूप में दंड होता है। रेवती नक्षत्र में अगर कोई काम करते हैं तो धन हानि की पूर्ण संभावना बनी रहती है। ये रहा पंचक से संबंधित वीडियो। ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।